फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार जो पीसीबी में एसी पीसीबी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है उसी के ऊपर हम कोई ना कोई वीडियो बनाते रहते हैं। आज हमारे पास एक पीसीबी आया है यहां पर, ये पैनासोनिक में लगने वाला पीसीबी है। मैं आपको दिखा देता हूं यहां से पीसीबी, यहां पे ये वाला पीसीबी है, ये वाला अभी आपको मैं नियर बाय से दिखाता हूं, ये वाला पीसीबी है। और इस पीसीबी में जो फॉल्ट आ रहा है वो आपका कम्युनिकेशन एरर का आ रहा है। तो ये कम्युनिकेशन का जो फॉल्ट है वो क्यों आ रहा है, इसे कैसे चेक करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और वन बाय वन स्टेप हम ट्रेस करेंगे कि फॉल्ट किस वजह से है, क्या इंडोर में कोई प्रॉब्लम है या आउटडोर में कोई प्रॉब्लम है। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अंत में पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चले फ्रेंड, मैं आपका बिना टाइम गवाए मैं आपको करीब से नियर बाय दिखाता हूँ, ये वाला पीसीबी है, आइए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला पीसीबी है और आउटडोर में मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला पीसीबी है। आपको देखकर ये लग रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ये पीसीबी जो है ये काफ़ी अलग अलग कंपनियों में आता है, और ये जैसे पैनासोनिक, कैरियर, वोल्टास और इसके अलावा एक दो और कंपनियों में आता है, तो आपको ये पीसीबी मिलती रहेगी। इस पीसीबी में मैं आपको फॉल्ट बता दूं, कुछ देर बाद में जैसे मोटर हमारा चल रहा है, मोटर चलने के बाद यहाँ पर एरर में हमें H6 नज़र आता है, H11 नज़र आता है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एरर हमें शो करेगा जो कि कम्युनिकेशन का है। हमने जैसे ये पहले चेक की थी पीसीबी तो उसमें H11 हमें नज़र आ रहा था, और जब हमने कम्युनिकेशन यहाँ चेक किया तो ये इसका एरर कोड हमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड मिला। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आउटडोर पीसीबी है, ये आउटडोर पीसीबी है। इस पीसीबी में मैं आपको बता दूँ प्रॉपरली पहली चीज़ कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है इंडोर पीसीबी का ऑन होना, जो कि ऑन हो रही है, और वैसे ही आउटडोर पीसीबी का भी ऑन होना। तो ये दोनों ऑन होना जरूरी है। तो यहाँ आउटडोर की जो पीसीबी है ये ऑन नहीं हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एलईडी लाइट जो दे रखी है इसका ब्लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लाइट जब तक ब्लिंकिंग नहीं होगी, यानी यहाँ पे पावर जो नहीं पहुँच पा रहा है वो जब तक नहीं पता चलेगा, ये पीसीबी आपका कम्युनिकेशन एरर हटाएगा नहीं। तो यहाँ हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, जो कि इस बोर्ड में हमें चेक करना है। तो मैं मल्टीमीटर द्वारा आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ पहले, यहाँ पे नॉर्मली कहाँ कितना वोल्ट मिलना चाहिए, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर को क्या करना है, डीसी वोल्ट पे करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर ये हमारा बीएलडीसी मोटर का कनेक्टर है, आप चाहे तो कैपेसिटर पर डायरेक्टली वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एसी वोल्ट पर सीधा ही, ये ब्रिज रेक्टिफायर पर एसी वोल्ट, ये देखिए एसी वोल्ट प्रॉपर इन नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर पीटीसी लगा होता है, पीटीसी गर्म हो रहा है, काफ़ी गर्म है। पीटीसी गर्म होने का अर्थ यह है कि यहाँ शॉर्टिंग है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे एसी वोल्ट चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जैसे बताया आपको वोल्टेज नहीं आ रहे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पीटीसी काफ़ी गर्म हो रहा है और अभी भी ये गर्म हो रहा है, तो इसके गर्म होने का प्रॉब्लम यह आता है कि ये शॉर्टिंग है, यहाँ पे इस एरिया में क्या है, शॉर्टिंग है। इसी शॉर्टिंग के कारण कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं जा पा रहे और उसके कारण माइक्रो कंट्रोलर को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले हमें इस बोर्ड के अंदर जो शॉर्टिंग है वो चेक करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसका पावर ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ करने के बाद हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर मल्टीमीटर को बीप रेंज पर लाना है। ये मल्टीमीटर को हमने यहाँ बीप कॉन्टिनेंट पर लेकर है। सबसे पहले हमें एसी वाली लाइन पे ही चेक करना है और हमें प्लग आउट कर लेना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको प्लग आउट कर लेना है। अगर वैसे तो इसमें शॉर्टिंग है इसलिए कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है तो कैपेसिटर जरूर डिस्चार्ज कर लीजिए बाय बल्ब के थ्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यूटी पर चेक करेंगे पहले एसी लाइन को, एसी लाइन पर किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, और ये जो डीसी लाइन है इस पर हम चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बोथ साइड दिखाता हूँ आपको, ये बहुत साइड से शॉर्टिंग आ रही है, पहला तो ब्रिज रेक्टिफायर पर आ रहा है। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक तो हमारे यहाँ पर ये IGBT लगा है और एक स्कॉट की डायोड है, स्कॉट की डायोड को चेक करते हैं, हमें इसको डायोड रेंज पे चेक करना है, ये डायोड रेंज पे चेक कर रहे हैं। वैसे ब्रिज रेक्टिफायर को भी डायोड रेंज पे ही चेक करना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए,
ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर है, चार्ज वोल्टेज है यहाँ पे। अब आईजीबीटी को चेक करते हैं। तो आईजीबीटी को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, गेट पे ब्लैक प्रॉब और इसकी जो कलेक्टर और एमीटर भी प्रॉब है, इन पिन है, इनके ऊपर रेड प्रॉब रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट और कलेक्टर के बीच में 0.0 वैल्यू आ रही है, यानी ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। और गेट और एमीटर के ऊपर दिखाएंगे तो यहाँ पे भी वही वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग है। हमें पहले क्या करना है, आईजीबीटी को, क्योंकि क्या होता है अगर आईजीबीटी शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट बताएगा। कनेक्टिविटी में इसका पॉजिटिव और इसका कलेक्टर, इसका नेगेटिव और इसका एमीटर आपस में मतलब ट्रैक के ऊपर एक ही होते हैं। ये चीज़ अगर शॉर्ट होगी तो इसको शॉर्ट दिखाएगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईजीबीटी को निकाल देंगे। वैसे तो आईजीबीटी यहाँ पे प्रॉपर शॉर्ट है, तो आईजीबीटी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो फ्रेंड हमें यहाँ क्या करना है, जो ये हमारी आईजीबीटी यहाँ पे लगी है, सबसे पहले इसको क्या करना है, पेस्टिंग करनी है। तो हमें पेस्ट यूज करना है। पेस्ट को हम वैसे ब्रश से लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, इससे इसके पिनों पर हाथ भी गंदे नहीं होते, और प्रॉपर जहाँ लगाना वहीं पे ये पेस्ट लगता है बाय ब्रश। उसके बाद हमें आयरन यूज़ करना है। आयरन अगर आप आईजीबीटी के मामले में यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से 60 वाट तक का आयरन अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसकी पिन थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए 25 और 30 वाट का जो आयरन होता है वो प्रॉपरली इसे मेल्ट नहीं कर पाता है। ये दिक्कत काफ़ी बार आती है, तो इसलिए आप क्या कीजिए कि थोड़ा हेवी वाट का ही आयरन यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कीजिए। पिनों को आपको थोड़ा मेल्ट कर देना है ताकि निकलने में थोड़ी आसानी रहे वापस आईजीबीटी को। तो यहाँ पर निकालने के दो तरीके हैं आराम से, इजीली आप चाहे तो पिनों को खींचते हुए उनको गर्म कर करके निकाल सकते हैं। ये निकाल दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम इनके पिनों को थोड़ा क्लीन कर देंगे। पिनों को क्लीन करने के लिए हम डी सोल्डर पम्प और डी सोल्डर वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये डी सोल्डर पम्प होता है, ये हमने निकाल दिए। और यहाँ दूसरी तरफ भी हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं अच्छे से, ताकि इसके ऊपर कोई दिक्कत ना हो, और क्योंकि हमें इसमें पावर देना है दोबारा, और हम इसको पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे उसके बाद ही पावर देंगे। बिना आईजीबीटी जैसे हमने निकाल ली, अब बिना टेस्टिंग के तो पावर देना नहीं है। पीटीसी का यही फ़ायदा होता है कि वो सॉफ्ट स्टार्ट में यहाँ काम आता है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की शॉर्टिंग है तो वो सॉफ्ट स्टार्टिंग में शॉर्टिंग को बचा लेता है, जिससे कि सर्किट हमारा ख़राब नहीं होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को दोबारा बीप कंटिन्यूटी पे कर देते हैं यहाँ पे, और ये बीप कंटिन्यूटी पे अभी जो जैसे हमारी इसकी ब्रिज एक्टिफायर की डीसी पिनों पे बीप साउंड आ रहा था वो चेक करते हैं। ये बीप साउंड ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे डायोड रेंज पे करते हैं इसको, ये डायोड रेंज पे कर दिया हमने। ये वन साइड वैल्यू आनी चाहिए, ये देखिए ये वन साइड वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर देंगे। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि इन्वर्टर पीसीबी को बिना आईजीबीटी के ऑन किया जा सकता है, क्योंकि आईजीबीटी जो लगा होता है वो पीएफसी सेक्शन में होता है, पावर फैक्टर करेक्शन। तो हम बिना आईजीबीटी के मतलब जो पीसीबी है उसको ऑन करके देख सकते हैं वो प्रॉपरली अब काम कर रही है या नहीं कर रही, ये हम चेक कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, अब आउटडोर के अंदर पहले पावर देखेंगे ये लाइट यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे पावर ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन के बाद आगे का हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर आ गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये लाइट ब्लिंकिंग करने लग गई है, इसका मतलब यहाँ पे पावर आ गया है। अब यहाँ पर ये ओके कंडीशन में अभी फ़िलहाल लगभग पावर में पहुँच गया है,
और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे प्रॉपर मोटर वोटर लगा के कि ओके चल रहा है या नहीं। अगर आउटडोर का मोटर इसका चल जाता है फिर कंप्रेसर लगा के भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी बार ये होता है कि अगर इनपुट सप्लाई ओके आ रही है तो आप बिना पीएलसी सेक्शन को मतलब आईजीबीटी लगाए भी कंप्रेसर चला सकते हैं, लेकिन कंप्रेसर प्रॉपर जब लोड पे आता है तो पीएफसी सेक्शन का कार्य करना जरूरी होता है। तो हम अनलोड पे भी उसे चेक कर सकते हैं बिना आईजीबीटी के। तो मैंने आईजीबीटी निकाल रखा है तो मैं आगे इसको अब चेक करूँगा इसको, ठीक है। मोटर लगाता हूँ तो हमने फ्रेंड यहाँ पे मोटर लगा दी है और यहाँ पे कंप्रेसर को भी जोड़ दिया है। अब हम इसको ऑन करेंगे और देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पीसीबी ऑन हो गई है, पीसीबी ऑन हुई है। अब थोड़ी देर में हमारा इंडोर फैन मोटर भी देखते हैं ये ऑन होगा, फिर आउटडोर का भी देखते हैं, ठीक है। आपको ग्लव्स पहन के हमेशा काम करना है ताकि किसी भी शॉक वेव से आप बच सकें। आउटडोर में लाइट ऑन हो गई है और ये मोटर हमारा ऑन हो गया, चल रहा है, ठीक है, मोटर चल गया है। अभी थोड़ी देर में देखते हैं आउटडोर में कम्युनिकेशन का क्या होता है, किसी प्रकार का एरर आता है नहीं आता है, हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। और अभी आगे तो फ्रेंड यहाँ पे आउटडोर का मोटर ऑन हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर भी हमारा लगभग आप देख सकते हैं कंप्रेसर ऑन हो चुका है और यहाँ पे आउटडोर का मोटर भी चल चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिना आईजीबीटी के भी पीएफ जो हमारा पीसीबी है हम चेक कर सकते हैं इजीली, लेकिन लोड पे आपको आईजीबीटी लगाना पड़ेगा क्योंकि लोड पे जब वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी तो जो पीएफसी सेक्शन है वो प्रॉपर ओके होना चाहिए। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से इस पीसीबी को हमने डन कर लिया है, केवल एक आईजीबीटी को बदलकर पीसीबी को डन किया जा सकता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जैसे ही हम कोई चीज़ चेक करते हैं और फॉल्ट मिलता है तो उसे बदलने पर ही पीसीबी ओके हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अभी भी कंडीशन देख सकते हैं, मोटर प्रॉपरली काम कर रहा है और हमारा ये कंप्रेसर वर्क कर रहा है, ठीक है। और पीसीबी में हमने यहाँ पर आईजीबीटी नहीं लगाया है, अभी भी ये देखिए ये प्रॉपरली अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे किस प्रकार हम पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं इजीली। अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और इसके अलावा अदर टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करके आप कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन जान सकते हैं। तो अंत में एक बार फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।